इस वीडियो में आप जानेंगे कि ब्लूटूथ से किसी ऐप को शेयर कैसे किया जाता है, हम अपने मोबाइल के किसी भी एप्लीकेशन को ब्लूटूथ के जरिए शेयर कैसे कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो के बारे में। तो मोबाइल के ऐप्स को ब्लूटूथ से शेयर करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है। इस एप्लीकेशन का नाम है APK स्ट्रैकर। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से इसे डायरेक्ट इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इंस्टॉल करने के बाद ओपन करना है, और ओपन करने के बाद यहाँ पर आपके मोबाइल में जितने भी ऐप पहले से इंस्टॉल होंगे और यहाँ पर आपके मोबाइल में भी जो ऐप होगा सभी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से आप जिस ऐप को शेयर करना चाहते हैं उसके बगल में आपको 3 डॉट मिलेगा, तो आपको 3 डॉट पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको शेयर पर क्लिक करना है। शेयर पर क्लिक करने के बाद नीचे आपको कुछ ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर आपको ब्लूटूथ मिलेगा। तो चूंकि आपको ब्लूटूथ से ऐप को शेयर करना है तो आपको ब्लूटूथ पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आप जिस मोबाइल में शेयर करना चाहते हैं उस मोबाइल का ब्लूटूथ ऑन कर दीजिए। ब्लूटूथ ऑन होने के बाद यह सर्च लेगा, और सर्च लेने के बाद उस सेट का नाम यहाँ पर आपको यहाँ पर शो होगा, तो आपको इस पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपका वो एप्लीकेशन उस मोबाइल में आपको एक्सेप्ट करना होगा। तो यहाँ से एक्सेप्ट पर हम क्लिक करते हैं, और क्लिक करने के बाद यह एप्लीकेशन आपके दूसरे मोबाइल में चला जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वो एप्लीकेशन यहाँ पर शेयर हो रहा है हमारे उस मोबाइल में, ब्लूटूथ के माध्यम से शेयर हो रहा है। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो इस तरह से आप अपने मोबाइल में ब्लूटूथ के जरिए किसी भी ऐप को शेयर कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।